मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। झारखंड हाई कोर्ट में जहां उनके खिलाफ दाखिल दो दो याचिकाओं के जरिए सीबीआई जांच की मांग पर विशेष सुनवाई हो रही है, वहीं चुनाव आयोग ने उनको अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले में अयोग्यता का नोटिस दे रखा है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किल बढ़ाने वाली एक और खबर रांची की विशेष अदालत से आई है। आचार संहिता उल्लंघन के केस में हेमंत सोरेन के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने रांची जिला प्रशासन के आग्रह पर उन्हें आखिरी बार एक मौका दिया है। रांची व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की सुनवाई चल रही है। गुरुवार को अदालत ने सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की थी। इसमें सीएम हेमंत सोरेन को खुद या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी लगानी थी, लेकिन हाजिरी नहीं हुई। हेमंत सोरेन से जुड़े केस की जानकारी देते हुए एपीपी पुष्पा सिन्हा ने बताया कि आज अदालत में सुनवाई के दौरान रांची जिला प्रशासन ने कोर्ट में आवेदन देकर एक और मौका देने का आग्रह किया। इस पर अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 7 जून की तिथि निर्धारित की है। उस दिन सीएम हेमंत सोरेन या फिर उनकी ओर से उनके अधिवक्ता को अदालत में आकर अपना पक्ष रखना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सिर पर मंडरा रहे अयोग्यता के खतरे के बीच रांची की अदालत ने उन्हें सरेंडर करने का आखिरी मौका दिया है। आज की तय तारीख पर कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पेश नहीं होने पर रांची जिला प्रशासन ने अदालत से एक और मौका देने का आग्रह किया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।